मैं हूं रंजन कुमार पात्र। मेरे पास है कि आज एक आईटेल A23 प्रो का एक हैंडसेट है। तो दोस्तों इसमें देखिए, ये आईटेल A23 प्रो की हैंडसेट है, L5006 की जियो। तो ये आईटेल A23 प्रो की हैंडसेट है और इसमें सिम वन पे आपको जियो सिम आपको यूज़ करना ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों देखिए, उस पर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने उसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम था, जो कि मैंने उसको फ्लैश कर लिया। और फ्लैश करने के बाद ये देखिए, तो दोस्तों मैं लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद फ़ोन को स्विच ऑन करते हूँ। दोस्तों देखिए, ये देखिए आईटेल आ गया। तो आईटेल आने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी टाइम लेता है स्टार्ट होने के लिए फ़ोन। तो उसके बाद देखिए आपको प्रॉब्लम के आप खुद देखेंगे। तो फिर जो आईटेल जो हैंडसेट है, आप उसको जियो सिम यूज करेंगे तो ये देखिए उसकी स्टार्टअप भी हो गया। उसमें बाकी ये देखिए यहाँ पर डॉट चल रहा है, ये देखिए स्टार्टअप आ गया, कॉन्फ्रेंसिंग योर फोन। लेकिन उसके बाद डिवाइस लॉक, ये देखिए डिवाइस लॉक है। सेटअप वाईफाई तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन उसको डिवाइस लॉक तो अनलॉक के लिए आपको एक जियो सिम जरूरी होते थे। तो ये देखिए, प्लीज इंसर्ट ए वैलिडिटी जियो सिम टू अनलॉक डिवाइस। तो विद दैट जियो सिम से ये फ़ोन डिवाइस अनलॉक नहीं होगा, ठीक है सर। तो देखिए मैंने उसको जियो सिम को मैंने एंट्री कर लिया, तो उसके बाद उसकी ये सेटअप आ गया, ठीक है सर। तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जियो सिम एंट्री करने के बाद उसकी सेटअप आ गया। लेकिन फिर देखिए मैंने जियो सिम को निकल दे रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों देखिए तो ये फिर से डिवाइस लॉक हो गया। तो आपको जियो सिम ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। तो उसके बाद फिर से देखिए मैंने जियो सिम का मैंने एंट्री कर लिया, तो ये डिवाइस ऑटोमेटिक स्टार्ट पे चला जाएगा, ये देखिए।